ढेरों सारे अटकलें लगाई जाती, कोई कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं, कोई कहता है कि इतने अच्छे कपल हैं इनकी जल्दी शादी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे सामने हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इन सारी चीज़ों जो सोशल मीडिया पर ढेरों सारी बातें होती हैं। तो बातें होती है तो बातें होने दो, उससे क्या होता है, उनके कहने या ना कहने से थोड़ी कोई शादी नहीं होगी या होगी। जब जो चीज़ होनी है होगी, इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो मुझे ही पता है क्या हो रहा है, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो शादी भी हो, वो जब मैं सही समझूंगा तब मैं बोलूँगा। दुनिया को इस किस्म की चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट करना कि अभी इनका रोमांस चल रहा है या इनकी शादी होने वाली है, ये कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन इनको रिलायबल सोर्स देता है, कौन सा किसने, ना किसी घर वाले ने बोला है, ना मैंने बोला है, ना जो कंसर्न पार्टी है उसने बोला है। पर ठीक है, लोगों को दो लोग एक साथ देख के जो उनको मर्जी है कहना है वो कह सकते हैं, यहाँ पर किसी को रोक ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, जो आपको प्रिज्यूम करना है वो आप करते हो। हम लोगों ने डिसाइड, ऑब्वियसली यू गेटिंग, अभी मुझे खुद को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे पता है किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, पर्सनल ज़िंदगी जीता हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो मुझे पता है, और जब मुझे दुनिया को बताना होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। आराम से रिलैक्स करो, कुछ इसमें सोच, डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एंड प्रिज्यूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। जब सही चीज़ जब होगी तब होगी, हम बता देंगे। कपल जब नया नया कपल होता है तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, एक अपना प्यार जताता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जताता है, एक दूसरे के लिए स्टैंड बाय करता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, हर चीज़ अच्छी लगती है, एफर्ट करता है, और फिर धीरे धीरे जब उनके गोल्स अचीव होते हैं, जैसे कि शादी के गोल्स अचीव हो गए या बच्चे का गोल अचीव हो गया, तो धीरे धीरे उनका एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी में कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या हो जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने बेस्ट लुक में होते हैं, बेस्ट बिहेवियर में होते हैं, फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर मिल जाता है तो आप कभी कभी आप अपने फिजिकैलिटी को भी आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, शायद आप तो आपका वज़न बढ़ जाता है या तो आपकी आदतें बदल जाती हैं और जो आप पहले जो करते थे वो कम करते हो या करना बंद कर देते हो, और उसका असर होता है।